हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल सर्विस सॉल्यूशन में। दोस्तों, जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ रिव्यू इन एमएस वर्ड। तो सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ टाइप कर रखा है, क्योंकि रिव्यू में जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ वो सारे के सारे ये सारे कमांड कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर है क्या, इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी सेव्ड है। इसमें आप कोई भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक कर देते हैं तो ये इजीली इसको सर्च कर लेता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एन को डिलीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, देखिए इसने बता दिया है मुझे कि यहाँ पे ये रेड कलर का जो मार्क हो रखा है, ये रेड कलर मार्क ये शो कर रहा है कि इसकी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। और ये ग्रीन कलर का जो मार्क कर रहा है, ये स्पेस को लेकर मार्क कर रखा है कि यहाँ पे कोई स्पेस या कुछ का मिस्टेक है। तो ये जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ये इजीली इसको सर्च कर लेता है। या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट आप F7 भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने F7 प्रेस किया। जैसे मैं F7 प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे बता रहा है कि सजेशन में कि भाई ये जो स्पेलिंग है इसकी मिस्टेक है, इसकी स्पेलिंग जो होनी चाहिए इंक्लूड होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर जहाँ जहाँ पे भी ऐसी मिस्टेक हो वहाँ पे ये इंक्लूड इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दे। तो मैं यहाँ पे चेंज ऑल पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये हमारी स्पेलिंग जो है करेक्ट हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं इस पर इसको एन को दोबारा क्लिक कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ना तो इस पर क्लिक करना ना मैं F7 पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वर्ड पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको ऐसे भी यहाँ से भी इसको करेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो मेथड है, सपोज डेट, कभी 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 कभार आपने देखा होगा कि या रिज्यूम या कोई फाइल बना रहा है उसमें किसी का नेम या एड्रेस आ रहा होता है, तो उस नेम जो है उसकी स्पेलिंग और उस एड्रेस की स्पेलिंग करेक्ट होती है, लेकिन फिर भी वो रेड कलर का मार्क कर देता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उस वर्ड पर आपको राइट क्लिक करना होगा और इग्नोरेंस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा कि स्पेस जो है मैंने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया। तो जैसे मैं यहाँ पे स्पेस एक ज़्यादा लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर का इसने मार्क कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है स्पेस को लेकर मिस्टेक है, या कॉमा के बाद आपने ज़्यादा स्पेस ले लिया या कम लिया या नहीं लिया। तो ये इस तरह से ग्रीन कलर का ये हाईलाइट करके बता देता है आपको मार्क करके। तो आपको करना क्या है कि इस पर राइट क्लिक करना है और इस कमांड शो पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है इग्नोर वर्ड्स। अगर आपको उस जो वर्ड आपने मिस्टेक किया, मिस्टेक नहीं है वो बिल्कुल करेक्ट है, किसी का नेम है या एड्रेस है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी उस पर रेड कलर का मार्क करता है, तो आप उस वर्ड पे राइट क्लिक करके और इस इग्नोर पे क्लिक कर दीजिएगा, वो जो मार्क हो रखा है वो वहां से हट जाएगा। तो मैं भी फिलहाल इस पे कमांड शो पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हो और वो वर्ड स्पेलिंग ग्रामर ये जो हमारे का जो भी स्टोर्ड है बाय डिफॉल्ट जो स्टोर्ड है उसमें स्टोर्ड ना हुआ हो, तो उसको हम कैसे करते हैं, चलिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल पे क्लिक करना होगा और ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको प्रूफिंग पे क्लिक करना है और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो वर्ड आप ले भी सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑटो कट, ऑटो कट लिखा, मैंने इसको रिप्लेस किया। मैंने कहा जब भी ऐसे ऑटो कट आए ये ऐसे ना आकर इस तरह से आ जाए, तो इसको मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सारे वर्ड स्पेलिंग जो भी यहाँ पे एडजस्ट है, यहाँ पे ऑडियंस इस तरह से होना चाहिए, सारे अवेलेबल है इस तरह जो। अगर हम इन वर्डों को अगर हम मिस्टेक भी करते हैं तो ये डायरेक्टली मतलब आपको बता देता है, हाईलाइट करके कि भाई ये स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। और उसमें कई सारे ऑप्शन भी चूज करने देता है कि आपको कौन सा वर्ड इसमें से चूज करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि एक वर्ड और ऐड कर लिया, तो हमने ऐड किया और ओके किया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑटो कट, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया
ऑटो कट किया और मैंने स्पेस प्रेस या एंटर प्रेस किया, तो देखिए इसको इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया, यानी कि बिल्कुल से जिस फॉर्म में मैंने लिखा था, जिस फॉर्मेट में, वो उस फॉर्मेट में उसने इसको शो कर दिया। तो इस तरीके से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च। रिसर्च में क्या है कि अगर आपको किसी वर्ड के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो आप इजीली उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। वो किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे कि मैंने इस डायग्राम को सिलेक्ट कर लिया और मैं रिसर्च पे जाता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये डायग्राम के बारे में पूरा का पूरा सर्च करके देता है कि जो ये डायग्राम है ये एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे कई सारे इसने डायग्राम के बारे में बता दिया है, सॉरी डायग्राम के बारे में, ये एक ड्रॉइंग है, अ सिंपल ड्रॉइंग शोइंग द बेसिक शेप लेआउट और वर्किंग ऑफ समथिंग। यानी कि यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा इसने डायग्राम के बारे में डिटेल जो है निकाल कर दे दिया है। अगर इसी तरह से आपको किसी वर्ड के बारे में अगर रिसर्च करना हो कि ये है क्या, तो आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप उसको पेस्ट करें और उसके बाद एरो पे क्लिक किए, ये आपको पूरी की पूरी जानकारी देगा। नेक्स्ट हमारे पास है थेसर। नेक्स्ट हमारे पास थेसर। थेसर क्या करता है कि किसी वर्ड के बारे में आपको सेम वर्ड, उससे मिलते जुलते वर्ड आपको वो शो कर देता है। जैसे कि आपको किसी वर्ड के बारे में सर्च देखना हो उसके सेम वर्ड कैसे हैं, उसका मीनिंग क्या है, तो आप किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम को सिलेक्ट किया और उसे कॉपी करके मैं थेसर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये अपना पे ऑटोमेटिक जैसे करते हैं, तो जैसे थेसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये शो होने जाता है। तो डायग्राम से रिलेटेड आपको देखिए यहाँ पे शो होने लगे कि जैसे मिलते जुलते इसके वर्ड्स हैं, टेबल, चार्ट, मैप, प्लान्स, इलस्ट्रेशन, फिगर्स, यानी कि जो डायग्राम से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे वो शो होने लगेंगे। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसका अगर ट्रांसलेट भी करना चाहें तो आप इसमें यहाँ ट्रांसलेशन पर क्लिक कर सकते हैं। आप उसका मीनिंग देख सकते हैं कि आखिर उसका जो ट्रांसलेट किया है उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए यहाँ बता रहा है कि आर ए, यानी कि जो डायग्राम का जो मीनिंग है वो है आर ए। तो इस तरह से आप इसको ईजिली आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी देखना है, जो भी वर्ड आपको यहाँ पे चेक करना है, जैसे पर्सियन आपने टाइप किया तो पर्सियन में ये सारा आ गया, यानी जो भी लैंग्वेज आपको इसको चेंज करनी है तो यहाँ से आप इसको ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि आपको तेलुगु, उर्दू, तमिल, इसमें भी आप करना चाहें उस तरह से कर देते हैं। उर्दू में भी इसको डायग्राम ही कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको ईजिली सर्च कर सकते हैं, उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और सेम वर्ड हम उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड काउंट की, यानी कि जो भी इस पैराग्राफ में कितने वर्ड हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि पेज वन है, वर्ड इसमें 185 है और इसमें जो कैरेक्टर लिए गए हैं नो स्पेसेस के साथ, यानी स्पेस को काउंट नहीं कर रहा है, वो है 903 यानी 903। फिर इसका कैरेक्टर विद स्पेस के साथ जो काउंट कर रहा है वो 1085 है। पैराग्राफ्स में 3 है और लाइन्स इनमें 13 है। तो ये सारा का सारा वर्ड पूरा का पूरा इसमें काउंट कर कर बताया था। यानी कि आपको किसी को रिपोर्ट देनी हो कि भाई हाँ जी कितने लाइन, कितने पैराग्राफ, कितने पेजेस का है, तो आप इजीली सिलेक्ट ऑल करके आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूरी डिटेल शो कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेट, यानी कि किसी भी चीज़ को आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये यहाँ पे जिसमें आपको थेसर बताया था वैसे ही यहाँ पे ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकता है। उसके बाद ये लैंग्वेज हमने जो भी लैंग्वेज चूज करनी है, हम जो भी एमएस वर्ड की लैंग्वेज चूज करनी है यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, चेंज करते हैं। मैं फिलहाल इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इंग्लिश को सेट कर रखा है तो हम इंग्लिश पे ही इसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू कमेंट। कि आप किसी के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लुक को सिलेक्ट किया और नाइस पे मैं न्यू कमेंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने टाइप कर दिया लुक एंड नाइस। आप किसी नेम के बारे में, किसी का नाम है, आप उसके बारे में कुछ डिटेल डालना चाहते हैं, कुछ कमेंट डालना चाहते हैं, राम, राम क्या है, सीनियर मैनेजर है, मोहन जो है जिससे मुझे कल मिलना है, यानी जो भी कमेंट डालना जो आपको रिमेम्बरिंग कर सके, आपको याद दिला सके, तो आप इस तरह से यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको किसी और पे भी कमेंट करना है तो आप इसी तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे और न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आप इसको कह सकते हैं डायरेक्टली यू विल मीट मी डायरेक्टली।
तो इस तरह से हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और अगर एडजस्ट करना हो, जैसे नाइस लिखा हुआ है, नाइस में अगर आपको कुछ और ऐड करना हो तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके और भी इसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ पे आप नाइस वन लिखेंगे और ये एप्स में ऐड हो चुका है। यानी कि आपको उसमें कुछ अपडेट करना हो तो उसको आप इजीली अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। और अगर आपको इसका प्रीवियस देखना हो तो आप इस तरह प्रीवियस पे क्लिक करेंगे कि भाई प्रीवियस क्या है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये प्रीवियसली आपको रिपोर्ट ये दिखा देगा। तो इस तरह से आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसमें एडजस्ट करना चाहें, अपडेट करना चाहें तो यहाँ से इजीली उसे अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस आखिरकार होता क्या है, चलिए मैं आपको ये भी सिखाता हूँ। तो ट्रैक चेंजेस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, लाइन टाइप करने के बाद ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसको उसने ट्रैक, मैंने इसलिए पहले आपको बताया नहीं क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि ये हाईलाइट क्यों कर रहा है। इसको ये हाईलाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें हमने कोई भी वर्क जो है इसमें हमने दोबारा से वर्क ऐड किया है। अब इस वर्क को हमें इसमें ऐड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो मेन फाइल थी, इस मेन फाइल में जो जो हमने चेंजेस किए हैं यानी ऐड किए हैं, ये इन सभी वर्क को हाईलाइट करके रख देता है। उसके बाद अगर आपको इसको फाइनल शो पे जाना है, अगर आपको ये वर्क अच्छा लगता है, जैसे सपोज डैट कि आपने कोई वर्क करा और आपने किसी एम्प्लॉय को कोई वर्क दे दिया और वो एम्प्लॉय से वर्क करता है, आपको अगर डाटा वो जो उसका रहा है, जो भी उसने टाइप किया है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई इसको रखना है तो ठीक है, अगर नहीं रखना तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है कि आप फाइनल शो मार्कर पे जाएंगे, अगर यहाँ पे वहाँ से भी करते हैं नहीं तो आपको डायरेक्टली शो कर रहा है, यहाँ पे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो उसे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और इसे एक्सेप्ट करें, जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे उस फॉन्ट जो भी उस फॉन्ट में था, जैसे जिस तरह से इसने टाइप किया है, वो सारा का सारा उसको एक्सेप्ट कर देगा, यानी जो हाईलाइट हो रखा था वहाँ से वो हट जाएगा। और अगर आप रिजेक्ट पे करेंगे तो रिजेक्ट पे यानी कि जितने भी उसने वर्क करा है वो सारा का सारा वो डिलीट हो जाएगा, जो भी उसने चेंजेस किए थे यानी कि जो भी उसमें अपडेट किए थे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, चाहे उसने कुछ भी अपडेट उस वर्क में कुछ भी अपडेट किया हो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, उसने क्या क्या अपडेट किया है, उसको आपको रखना है कि नहीं रखना है। तो यहाँ से आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर। कंपेयर में क्या है कि इसमें दो फाइलें लेता है और उसमें कंपैरिजन करता है। इसके लिए हमें दो फाइलें सिलेक्ट करनी होगी, तो कंपेयर पर क्लिक करें आप, दो एक फाइल को दो से भी कंपेयर कर सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं आपको दो फाइल को करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैंने दो फाइलें ओपन कर ली हैं, मैंने यहाँ पे दो फाइलें सिलेक्ट कर ली हैं यहाँ पे और मैंने इनको ओके प्रेस किया। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए इसने यहाँ पे दोनों को इसने मर्ज करके हमें यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए कि जहां जहां पे लाइनिंग हो रखी है, जहां जहां उसने उसको लाइन को कट कर रखा है, तो यहाँ पे दोनों जहाँ पे देखिए आपने देखा ऊपर लिखा रहा है कॉम्पिटेटिव टेस्ट पेपर 15 मार्च 2018, यानी कि इस दोनों फाइल को इसने मर्ज किया, कंपेयर किया और जो जो लाइन उस दोनों में नहीं थी उनको इसने क्रॉस कर दिया और जो जो लाइन दोनों में सेम थी, जो जो वर्ड सेम थे उनको उसने वो शो करके कंपेयर करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप दोनों फाइल को कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी कि जो लाइनें कटी हुई हैं यानी कि वो उसमें नहीं है और जो लाइनें कटी हुई नहीं है और वो पूरी पूरी आ रही हैं वो हैं, यानी कि दोनों में वो लिखा हुआ है। वो है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में मतलब कि आप इस फाइल को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आपकी फाइल को कोई इजीली चेंज ना कर सके ना ही उसको ओपन कर सके। तो इसके लिए हमें वहां पे क्लिक करना होगा रेस्ट्रिक्ट पे, उसके बाद आपको अलाउ ओनली पे यानी कि एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस पे क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्लिक हो रखा है, अगर नहीं हो रखा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
और उसके बाद नीचे आप आएंगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ यस स्टार्ट प्रोटेक्शन स्टार्ट एनकोडिंग सॉरी यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस पर यहाँ पे पासवर्ड आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड टाइप करा और वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद ओके टाइप किया सॉरी ओके पे एंटर किया और मैंने इसको यहाँ से प्रोटेक्शन दे दिया है। अब इसमें मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ सपोज दैट मुझे डिलीट करना मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट करता हूँ तो डिलीट नहीं होगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई टाइप कुछ भी टाइप भी करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी ये टाइप नहीं होगा क्योंकि नीचे देखो आपको लिखा आ रहा होगा दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉग्ड। यानी कि शीट को हमने लॉग कर दिया है यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो ये था दोस्तों हमारा रिव्यू जिसको हमने आज किया। इसी तरह की वीडियो अगर आपको और देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत मिलती रहे। तो अभी के लिए बाय।